मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव का है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी लाश मिली है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का कहना है कि सुबह लगभग 11 बजे घर में कोई नहीं था, उस समय नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ मायके पक्ष के लोगों ने दहेज का मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बताते चलें कि लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि बीती 29 अप्रैल 2018 में हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार दोनों की शादी में जो खर्च हुआ था उठाया गया, लेकिन लड़के पक्ष ने शादी के बाद अतिरिक्त दहेज की लगातार मांग कर रहे थे, जिसको लेकर विवाहितों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। सूत्रों की माने तो कई बार उसको साथ मारपीट कर घर से भी निकाल दिया गया था, जिससे दहेज को लेकर विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया, इसके बाद फांसी के फंदे से लटका दिया। वहीं लड़की के मायके में पड़ोसियों के द्वारा खबर दी गई, हालांकि लड़की के ससुराल पक्ष के लोग घटना के बाद फरार हो गए, लेकिन विवाहिता के परिजन लगातार दहेज की बात कह रहे हैं। मौके पर पहुंची मंगलपुर पुलिस व सीओ आशापाल सहित तहसीलदार लाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? आशीष सिंह। आज क्या घटना हुई आपको? यहाँ लड़की ने फ़ोन किया, हमारी बहन है, उसने फ़ोन किया कि हमको टॉर्चर करते हैं लोग, मतलब कि दहेज की मांग करते हैं, यही कोई दिक्कत हुई है। तो दहेज की मांग करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसके बाद क्या क्या हुआ, आपको कैसे जानकारी मिली? गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी दी हमें। आपको कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पे घटना हो गई है? ये तो गांव वालों ने फ़ोन किया है हम लोगों के पास। अच्छा, यहाँ से कोई फ़ोन नहीं गया है। क्या लगता है आपको? इन लोगों ने मार दिया और क्या है, यही लगता है, यही कि इन लोगों ने किया है। इसके पहले भी मारपीट करते रहे वो लोग? हाँ, किया है।